जैसे हमने कहा था कि ये ऑर्डिनेंस विड्रॉ होना चाहिए, तो आज की जो ताज़ा खबर है उस हिसाब से हमें जानकारी मिली है कि ये जो ऑर्डिनेंस है जून का वो विड्रॉ हो चुका है। तो इसकी इफ़ेक्ट क्या आएगी? तो इसकी इफ़ेक्ट ये आएगी कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको 5 साल में एक बार AGM अटेंड करना है, और आपका अगर नहीं किया तो आपका जो वोटिंग राइट है वो कोई अफेक्ट नहीं होगा, और आप वोटिंग राइट AGM नहीं अटेंड करने के बावजूद भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। 12 जून 2023 महाराष्ट्र में एक ऑर्डिनेंस आया, जो आया 7 जून को। उसका नंबर है महाराष्ट्र ऑर्डिनेंस नंबर 2 of 2023। अब ये आया है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के तहत। अब ये पहले भी एक बार प्रोविजन इंसर्ट किया था, फिर उसको डिलीट किया था। अब वापस ये प्रोविजन को इन लोगों ने ऑर्डिनेंस के तहत, अभी तक कानून नहीं बना है, कानून जब भी मॉनसून सेशन में ये ऑर्डिनेंस आएगा, बिल पुटअप होगा, तब वो कानून बनेगा। मगर अभी तुरंत ही जिस दिन ये नोटिफाई हुआ 7 जून को, तब से ये फोर्स में आ गया है, मतलब कि ये ऑलरेडी लागू हो गया है। तो आज हम देखते हैं कि ये क्या ऑर्डिनेंस है, और ये अच्छा है कि हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। तो इसके अंदर एक प्रावधान किया है कि सेक्शन 2 महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के अंदर एक डेफिनेशन डाला जाए, और उसका होगा एक्टिव मेंबर। अब एक्टिव मेंबर मतलब क्या? तो प्रावधान क्या बोलता है? प्रावधान ये बोलता है, एक्टिव मेंबर मीन्स अ मेंबर हु पार्टिसिपेट्स इन द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी एंड यूटिलाइजेस द मिनिमम लेवल ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ऑफ दैट सोसाइटी एज मे बी स्पेसिफाइड इन द बायलॉज। उसका मतलब ये है कि वो जो मेंबर है सोसाइटी का, वो सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करता है अपनी अपने द्वारा, वो चाहे सर्विसेज हो या प्रोड्यूस हो या कुछ भी हो, वो उसको सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करता है। अब आया सेक्शन 26, एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है जो बहुत बड़ा है, फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। 26, अ मेंबर शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज सच राइट्स एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट रूल्स एंड बायलॉज, प्रोवाइडेड दैट नो मेंबर शैल एक्सरसाइज राइट्स अंटिल ही हैज मेड सच पेमेंट टू द सोसाइटी इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंबरशिप और acquired such interest in the society as may be prescribed and specified under bylaws of that society from time to time, provided further that in case of increase in minimum contribution of member in the share capital to exercise right of membership, the society shall give a due notice of demand to the member and give reasonable period of time to comply with. फिर आगे क्या बोलता है, मतलब कि मतलब जब तक ये जो मेंबर है वो अपनी एंट्री फी नहीं दे देते, ट्रांसफ़र फी नहीं दे देते और सोसाइटी चार्जेस नहीं देते, तब तक वो सोसाइटी मेंबरशिप का स्टेटस एंजॉय नहीं कर सकते, और वो बायलॉज के अंदर जो स्पेसिफाई किया है उसी हिसाब से चलेगा। और आगे क्या बोलता है ये प्रोविजन, डैट सपोज कोई इंक्रीज हुआ, मतलब कोई बढ़ोतरी हुई मिनिमम कंट्रीब्यूशन पर शेयर कैपिटल, या तो फिर सपोज 100 रुपये की जगह 200 रुपया हो गया, तो सोसाइटी ने इस इंक्रीज का ड्यू नोटिस देना चाहिए, डिमांड नोटिस देना चाहिए और रीजनेबल टाइम देना चाहिए और पेमेंट के लिए।
अब 26-2 पे आते हैं, जो मुझे लग रहा है कि ये रिकंसिडर करना चाहिए पार्लियामेंट ने और इवन महाराष्ट्र सरकार ने, क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्यों करना चाहिए। इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी मेंबर, ये प्रावधान क्या बोलता है, ये कहता है कि इट शेल बी ड्यूटी ऑफ एवरी मेंबर ऑफ अ सोसाइटी टू अटेंड एटलीस्ट वन जनरल बॉडी मीटिंग विद इन अ कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो वो ये कहता है प्रावधान कि हर एक मेंबर ने जनरल बॉडी AGM जो है वो 5 साल में एक बार अटेंड करनी चाहिए। तो आगे क्या कहते हैं ये प्रावधान कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू द मेंबर हुज एब्सेंस हैज बीन कंडोन बाय जनरल बॉडी मीटिंग। मतलब कि वो जो मेंबर है उन्होंने जनरल बॉडी को ये कहा है कि आई एम सॉरी, मैं आपका मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं शायद बारगांव हूँ या मैं अब्रॉड हूँ या मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इधर एक चीज़ है, सरकार ने एक प्रावधान इसमें ऐड करना चाहिए कि इन लोगों ने जो जो पर्सनली अटेंड नहीं कर सकते वो लोग वेबएक्स या जूम मीटिंग से AGM अटेंड कर सकते हैं। हम लोगों ने किया है कोरोना काल के द्वारा। तो शायद जो मैं बोल रही हूँ वो हिच जो है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैनेजिंग कमेटी मिसयूज़ कर सकती है, तो उसको रोकने के लिए ये एक प्रावधान डालना चाहिए, जो मैं रिक्वेस्ट करूँगी स्टेट गवर्नमेंट को कि ये इसको कंसिडर करें। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या कहता है ये जो प्रोविज़न है वो, तो 5 साल में एक बार तुमको अटेंड करनी है। अगर आपने 5 साल तक एक भी अटेंड नहीं की, प्रोवाइडेड दैट व्हेन अ सोसाइटी क्लासिफाइज, तो फिर ये मेंबर जो है वो नॉन एक्टिव मेंबर हो जाएगा। अब नॉन एक्टिव मेंबर हो जाएगा तो क्या होगा कॉन्सिक्वेंसेस, तो नॉन एक्टिव मेंबर का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि सोसाइटी उसे नोटिस देगी 30 डेज के अंदर कि अभी आप नॉन एक्टिव मेंबर हो गए हो और ये फाइनेंशियल ईयर से। तो ये नॉन एक्टिव मेंबर है उसको और 5 साल दिए जाएंगे और उसमें उसने ये जो डिसक्वालिफिकेशन है उसको करेक्ट करना है, यानी कि उसे अटेंड करनी है मीटिंग। अगर नहीं करता है तो उसका एक्सपल्शन हो जाएगा। अब आता है यहाँ पर जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैनेजिंग कमेटी करती है, ऐसा नहीं है नहीं करती है, करती है मिसयूज ऑफ पावर। तो ये जो प्रावधान है उसमें ये कहा है कि जब भी मेंबर नॉन क्लासिफाई हो जाता है नॉन एक्टिव मेंबर के नॉन एक्टिव मेंबर, तो उसको क्लासिफाई कर देता है। अभी जब उसने उसना उसका डिसक्वालिफिकेशन करेक्ट कर दिया तो उसको रिक्लासिफाई करो एक्टिव मेंबर। अगर नहीं किया तो वो रजिस्ट्रार को कंप्लेंट कर सकता है 60 दिन के अंदर अंदर। मगर इधर मुझे लगता है, देखो कोई भी एक इंसान है वो फ्लैट खरीदता है, अभी सोसाइटी का मेंबर बनता है, वो फ्लैट भी तो कोई सिंप्लिसिटी 500 हज़ार लाख 2 लाख में नहीं आता, 3-4 करोड़ 5 करोड़ में बम्बई में मिलता है। इसके ऊपर अगर ऐसा डिसक्वालिफिकेशन डाल दिया तो आप सोचो वो EMI भी भर रहा है और वो नॉन एक्टिव मेंबर भी है। अभी कल को मैं ऐसा सोच सकती हूँ, एज अ लॉयर मैं प्रिज्यूम करती हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ ऐसा होगा ही, मगर ऐसे हम प्रिज्यूम कर सकते हैं हाइपोथेसिस कि रीडेवलपमेंट में जा रहा है तो क्या होगा, उसको एक्सपेल कर दिया है आपने तो उसके राइट्स का क्या। और ये होना बहुत स्वाभाविक है क्योंकि कई जगह पर जहां मेरे पास केसेस आते हैं, कई जगह पर मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज की जो कमिटी है वो हाई हैंडेडली बिहेव करती है। मैं ये नहीं बोलती सभी लोग का, दोनों साइड में कुछ ना कुछ हो सकता है, मगर जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैंने जितने हैंडल किए हैं केसेस, उस पे से मैं ये बता सकती हूँ कि
कि ऐसे पावर देना एक डेंजर है, क्योंकि एक बंदा अपने लिए घर खरीदता है और उसको इस तरह आप उलझा रहे हो। और आपको क्या लगता है कि रजिस्ट्रार की ऑफिस में कंप्लेंट करने के बाद तुरंत सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं जी, फिर रजिस्ट्रार से जाएगा डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार, फिर वहाँ से जाएगा कोऑपरेटिव मिनिस्टर, फिर वहाँ से जाएगा हाई कोर्ट, फिर डिविजन बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट। आप क्या कर रहे हो? वो 5 साल अगर नई बंदा भर रहा है कोई भी AGM तो ठीक है ना, उतना न्यूसेंस AGM में कम होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी ऐसे भी केसेस हैं जहां पर मैनेजिंग कमेटी ट्रांसफर नहीं दे रही है, कोई गुजर गया है, पति गुजर गया है, पत्नी गुजर गई है, तो वो ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, और वो भी 10-10, 12-12 साल तक। अभी कोई एक वीडो है जो अनएजुकेटेड है, वो क्या करेगी? उसको क्या पता चलेगा वो एक्टिव मेंबर है कि एक्टिव मेंबर नहीं है? आप इस तरह का प्रावधान कोई भी कानून के अंदर कैसे लगा सकते हो? वो आपको टैक्स दे रहा है, वो स्टैम्प ड्यूटी भर रहा है, वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस भर रहा है, वो आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बिल भर रहा है, सब कुछ तो दे रहा है, फिर आप उसे क्यों मजबूर कर रहे हो AGM के अटेंड करने का? क्या जरूरत है? अभी सोसाइटी में ऐसी भी सोसाइटी है जहां पर मैक्सिमम विडोज है, उनके पति मर गए हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर एक विडो आके वहां पर बैठे। आपको उसकी प्रेजेंस की क्यों जरूरत है इतनी? वो विडो आज पुराने जमाने की है। मैंने देखा है और कई सोसाइटियों में है कि मैक्सिमम विडोज जो है वो समझती नहीं है और वो अटेंड नहीं करना चाहती। तो आप इस तरह से ऐसे प्रावधान, मुझे ऐसा लगता है कि ये फंडामेंटल राइट को हिट करता है और ये आपको विड्रॉ करना ही चाहिए, क्योंकि 10-10 साल तक, 15-15 साल तक कोई एक लेडी लड़ेगी क्या? क्या इनहेरिटेंस में दे जाएगी अपने बच्चों को, और वो भी अपने पैसे से खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है, उसको आप प्रेशर कर रहे हो कि तुम जाओ वहां पर बैठो और अटेंड करो। वो बिचारी को कुछ समझ में नहीं आता। देखो, हर एक विडो या हर एक स्त्री पढ़ी लिखी है वो जरूरी नहीं है, और पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ है कि वो वहां पर जाए और वो कमेटी को फेस करे AGM में, वो स्ट्रेंथ होना जरूरी नहीं है, हर एक लोग नहीं कर सकते। मैं ये कह रही हूँ कि महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रावधान को रिवाइज करो, या तो फिर इसको विड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी एक बंदे की प्रॉपर्टी को यू नो विदाउट एनी राइम्स एंड रीजंस अननेसेसरीली एक लिटिगेशन में डाल रहे हो। आप गारंटी कर रहे हो कि वो जो रजिस्ट्रार है वो 7 दिन के अंदर अंदर उसको एक्टिव मेंबर बनाएगा, नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो एक्टिव मेंबर बनाएगा तो सोसाइटी अपील में जाएगी, सोसाइटी को क्या है? आप सोचिए इस प्रोविजन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और आप ये भी समझिए कि हर एक मेंबर नॉट नेसेसरी एजुकेटेड हो और कैपेबल हो, उसने इनहेरिटेंस से लिया है, सपोज फादर की या मदर की प्रॉपर्टी है, तो मैं अपील करती हूँ कि इस प्रावधान को आप विड्रॉ कीजिए। 19 अगस्त 2023, 12 जून को हमने एक लंबा वीडियो बनाया था, जो एक ऑर्डिनेंस आया था महाराष्ट्र सरकार ने उसको नोटिफाई किया था, और जिसमें एक्टिव और इनएक्टिव मेंबर्स के लिए ये प्रावधान था। वो पहले प्रावधान विड्रॉ कर दिया था, वापस वो लोग जून में ये प्रावधान लेके आए, और हमने कहा था कि ये आपको विड्रॉ करना चाहिए क्योंकि ये मेंबर्स के हित में नहीं है और मैनेजिंग कमेटी इसको मिसयूज कर सकती है। तो हम पहले वो वीडियो देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ इसके अंदर।